ये वीडियो में हम दिखाएंगे कि पीएलसी के साथ दूसरा पीएलसी ये आद या फिर दूसरा कोई कम्युनिकेशन मॉड्यूल, एनकोडर, फ्लो मीटर, कोई एचएमआई पैनल या कंप्यूटर कैसे कम्युनिकेशन कराते हैं। सपोज नॉर्मली इंडस्ट्री में दो तरह का कम्युनिकेशन बस यूज किया जाता है, एक है प्रोफिबस और एक है प्रोफिनेट। प्रोफिनेट में स्पीड बहुत ज़्यादा होता है, तो कहीं जा सपोज कहीं हर जगह पे हम लोग प्रोफिनेट यूज नहीं कर सकते, कहीं पे हमारा स्पीड कम ही जरूरत पड़ता है। जैसे कि सपोज कुछ सेंसर से इनपुट आ रहा है, फिर उसके बाद कुछ कैलकुलेशन करके कुछ एग्जीक्यूट हो रहा है, तो अगर सेंसर से इनपुट के आने से पहले अगर एग्जीक्यूट हो जाएगा तो ये मुश्किल हो सकता है। तो ऐसे किसी किसी एप्लीकेशंस में हम लोग जानबूझ के थोड़ा प्रोफिबस या कम स्पीड वाला कम्युनिकेशन बस यूज करते हैं। इसमें मैं दोनों दिखाऊंगा कि कैसे सिमेटिक मैनेजर के अंदर प्रोफिबस और प्रोफिनेट दोनों कॉन्फ़िगरेशन कैसे किया जाता है। चलिए सॉफ्टवेयर में चलते हैं, फिर दिखाते हैं आपको। ये सिमेटिक मैनेजर है, पहले मैं एक नया प्रोजेक्ट ओपन कर लेता हूँ, इसका नाम दे देता हूँ कम्युनिकेशन बस प्रोजेक्ट। इसके बाद मैं एक पीएलसी ले लेता हूँ हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन में जाके। लास्ट वीडियो में भी दिखाया था कैसे हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन किया जाता है। स्टेशन में चलते हैं, इस बार 400 सीरीज का कोई पीएलसी लेते हैं। सिमेटिक 400 सीरीज का पीएलसी लेने के लिए सबसे पहले हमको एक रैक इंस्टॉल करना पड़ेगा, जिसके ऊपर ये पीएलसी को बिठाएंगे। अभी यहाँ पे रैक का बहुत अलग अलग डिफरेंट टाइप्स ऑफ रैक है, आपको देखना पड़ेगा पीएलसी के हिसाब से कौन सा रैक सही होगा। मैं एक रैंडम यूनिवर्सल ले लेता हूँ। इसमें क्या होता है, ये जो UR1 यह है नॉट सुइटेबल फॉर रिडंडेंट पावर सप्लाई मॉड्यूल्स। ओके, रिडंडेंट पावर सप्लाई मॉड्यूल मतलब कि दो पावर सप्लाई रहेगा, कोई एक फेलियर हो जाएगा तो सेकेंड पावर सप्लाई में चला जाएगा, तो पीएलसी ऑफ नहीं होगा। तो हमेशा हमको रिडंडेंट पावर सप्लाई वाला ही लेना चाहिए। ये यूनिवर्सल रैक है, ये ले सकते हैं। तो ये ले लिया, अभी एक पावर सप्लाई यूनिट ले लेते हैं पीएलसी के लिए। स्टैंडर्ड ले लेते हैं, ज़्यादा एम्पियर का जरूरत नहीं है, 4 एम्पियर का ले लिया। अभी एक सीपीयू लेना पड़ेगा। अभी कम्युनिकेशन बस के लिए अभी यहाँ देख सकते हैं 415 3PNDP, मतलब इसमें तीन पोर्ट रहेगा, एक प्रोफिनेट का रहेगा, एक डीपी पोर्ट, और एक डीपी मतलब इसमें प्रोफी बस हो जाएगा, और एक एमपीआई पोर्ट है। तो अभी हम प्रोफी बस दिखाने जा रहे हैं, तो हम सिर्फ प्रोफी बस वाला ही पीएलसी लेते हैं। 414 2DP ये वाला ले लेता हूँ, कोई भी एक सिलेक्ट कर लेता हूँ, इसको ले लेता हूँ। अभी प्रोफिबस का एक एड्रेस असाइन करना पड़ेगा, क्योंकि मेरा प्रोग्राम में कुछ अभी तक एड्रेस असाइन नहीं है, इसीलिए रैंडम इधर 2 शो कर रहा है। अभी हम चेंज भी कर सकते हैं इसको, तो अभी 2 ही छोड़ देते हैं। प्रोफिबस का एक सबनेट मास्क भी एज पर रिक्वायरमेंट आप दे सकते हैं, तो अभी एज इट इज छोड़ देते हैं। प्रोफिबस 1 एक प्रोफिबस जा रहा है, ओके कर दिया। इसका जो स्पीड है, स्पीड आप चेंज कर सकते हैं प्रॉपर्टीज में जाके, ये स्पीड आप बढ़ा सकते हैं 12 Mbps तक। लेकिन जैसे कि मैं स्टार्टिंग में बताया था, ज़्यादा स्पीड ले लेने से कभी कभी प्रॉब्लम हो जाता है, तो 1.5 Mbps प्रोफिबस के लिए लो प्रोसेस स्पीड में ठीक है। तो 1.5 Mbps लिए, ओके कर दिया, प्रोफिबस हमारा जनरेट हो गया। अभी क्या ये प्रोफिबस के साथ अलग अलग इंस्ट्रूमेंट को हम कनेक्ट करेंगे। तो और एक फील्ड में मेरा एक छोटा सा आईओ डिवाइस है, उसके साथ कनेक्टेड एक पीएलसी है, तो मैं उसको कनेक्ट करता हूँ। तो दूसरा पीएलसी को कनेक्ट करने के लिए
यहाँ से भी आप ढूंढ के लगा सकते हैं, 300 सीरीज हो कुछ भी। मैं यहाँ पे एक डायरेक्ट सर्च करके भी कर सकते हैं। सपोज ET200 सीरीज, ET200M का एक डिस्ट्रीब्यूटेड साइट में PLC है, उसको मैं ऐड करना चाहता हूँ। और डायरेक्टली नहीं तो PLC का सीरियल नंबर भी लिख सकते हैं। PLC का सीरियल नंबर जो मेरे पास है 6E7153 1AA02 0XB0, तो ये ले लेता हूँ, इसको सर्च कर लेता हूँ। देखिए ये आ गया हमारा, ये वाला जो PLC लगा हुआ है ये मेन PLC है, और ये PLC हमारा कंट्रोल, सपोज कंट्रोल रूम में है, और ये वाला पर्टिकुलर PLC हमारा साइट, सपोज एक कोई प्लांट है, अगर एक किलोमीटर दूरी में कुछ सेंसर्स वेंसर्स है तो आपको ये एक सेकेंडरी PLC वहाँ इंस्टॉल कर देंगे, तो उसके साथ ये कम्युनिकेट कर लेगा। नहीं तो हर एक सेंसर्स एक्चुएटर्स के लिए मेन कंट्रोल रूम से आपको केबल ले जाना पड़ेगा। तो ये वाला PLC का डिटेल्स यहाँ दिखाएगा आपको कि कितना स्पीड है, कितना मेमोरी बिट है, सब दिखाएगा। तो मैं इसको ऐड कर लेता हूँ। इसका भी एक एड्रेस, जैसे मेन PLC का हमारा एड्रेस था प्रोफिबस में 1, इसका एड्रेस उसमें 2 था, इसमें 1 है, तो आप अपने हिसाब से भी दे सकते हो, लेकिन मर्ज नहीं होना चाहिए। तो PLC ऐड हो गया। अभी इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, कुछ और इंस्टॉल करके देख लेते हैं डायरेक्ट यहाँ से। ये प्रोफिबस के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ से भी हो सकता है। इंसर्ट ऑब्जेक्ट में जाइए, देखिए यहाँ से भी दिखाई दे रहा है, अलग अलग PLC आप कनेक्ट कर सकते हैं। ये जो है सेट्रॉन, ये है आपका एनर्जी मीटर डिवाइस है, इसको भी ऐड कर सकते हैं। सपोज आपका कंट्रोल केबिन में, अच्छा इसका इसके लिए देखिए सेम अलग एक एड्रेस आ गया 3, तो ये ऐड हो गया। सपोज आपका कंट्रोल रूम कहीं दूर है और मेन जो प्लांट का पावर सप्लाई यूनिट आ रहा है वहाँ पे आपका एनर्जी मीटर लगा हुआ है, तो कंट्रोल रूम में दिखाने के लिए ये वाला सेट्रॉन का जो डिवाइस है ये सीमेंस का है, लगाना पड़ेगा। तो और इसके साथ आपका मेन PLC कम्युनिकेट करेगा, तब क्या होगा आपका कंट्रोल केबिन से, कंट्रोल रूम से ही पता चल जाएगा कितना क्या लोड है, कितना एम्पियर जा रहा है, कितना वोल्टेज है, सब कुछ डिटेल्स ये एनर्जी मीटर से पता चल जाएगा। तो इसको सेम प्रोफिबस में हम लगा दिए। ऐसे करके आप आगे जाके एक डेजी चेन, जो एक साइंटिस्ट के फॉर्मूला है, उसमें हिसाब से नॉर्मल प्रोफिबस में अप टू 32 डिवाइस कैन बी कनेक्टेड, 32 डिवाइस तक आप कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका प्रोफिबस। और अगर कुछ चीज़ सपोज आप इंस्टॉल करना चाहते हैं, सपोज एक मोटर चलाने के लिए एक VFD लगेगा आपको, उसको आप PLC से कंट्रोल करेंगे, तो वो VFD का सपोज अगर आपको यहाँ नहीं मिला तो उसका GSD फाइल आपको सर्च करना पड़ेगा गूगल में। गूगल में जाके कोई भी अगर यस्कावा का है या किसी भी कंपनी का ड्राइव है, सर्च करके आपका वो GSD फाइल इंस्टॉल डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद ये ऑप्शन में आ जाइए, डाउनलोड करके कहीं भी आप रख लीजिए अपना कंप्यूटर में। फिर ये ऑप्शन में आके यहाँ पे इंस्टॉल GSD फाइल में जाइए, यहाँ पे जाइए जिस फोल्डर में आप रखे हैं उस फोल्डर में जाके आप इसको ब्राउज कर लीजिए। सपोज मैं एक दिखाता हूँ, देखिए ये वाला एक GSD फाइल है प्रोफिनेट का, इसको आप ओके कर दीजिए। देखिए यहाँ आ गया, इसको सिलेक्ट करके अगर ज़्यादा GSD फाइल है मोर देन 1 तो सिलेक्ट ऑल करके इंस्टॉल कर लीजिए। अभी इसमें कुछ टेक्निकल इश्यूज है तो अभी ये नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये यही प्रोसेस है, तो ऐसे करके इंस्टॉल कर लेंगे। तो इंस्टॉल होने के बाद आप यहाँ से सर्च करेंगे तो वो आ जाएगा, फिर जैसे मैं इसको ऐड किया था उस हिसाब से ऐड कर लीजिए। ये था आपका सिंपल प्रोसेस, ये हो गया प्रोफिबस। अभी अगर आपको प्रोफिनेट करना है, प्रोफिनेट ये वाला जो मैं PLC लिया था इसमें प्रोफिनेट का कनेक्शन नहीं कर पाएंगे आप, इसमें ऑप्शन नहीं है, 2DP है। तो एक काम कर देते हैं, हम इसको डिलीट कर देते हैं ये PLC को। दूसरा PLC लेता हूँ सेम 400 सीरीज का ही, ऐसा एक CPU लेता हूँ जिसमें प्रोफिनेट भी कनेक्ट हो जाएगा, 3PNDP। ये देखिए ये वाला हो सकता है,
इसमें हो जाएगा। कोई भी एक पीएलसी ले लेता हूँ, देखिए ये प्रॉफिनेट आ रहा है, प्रॉफिनेट मतलब उसका जो आईपी एड्रेस और सबनेट मास्क है, ये आप इस एप्लीकेशन के हिसाब से चेंज कर सकते हैं। ये आप व्यू में जाके अरेंज भी कर सकते हैं, ऑटो अरेंज। ये प्रॉफिनेट आ गया आपका, क्योंकि प्रॉफिबस मेरा लास्ट वाला मैं डिलीट कर दिया, ये प्रॉफिनेट आ गया। अभी प्रॉफिनेट में भी सिमिलरली सेम प्रोसेस से आप ऐड कर सकते हैं। कुछ कुछ डिवाइसेस है, जैसे मैं दिखाया था स्टार्टिंग में, जैसे ये HMI पैनल हो गया, ये लैपटॉप हो गया, ये प्रॉफिनेट के साथ आप लगा सकते हैं। तो इसको इसका GSD फाइल डाउनलोड करके पहले इंस्टॉल करना पड़ेगा, फिर एक एक करके ऐड कर देना पड़ेगा। तो यही था सिंपल सा प्रोसेस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।